भाई साहब क्या नजारा है देखो। और यहीं से ये दोनों नदियां आपस में मिलके गंगा नदी का निर्माण करती है आगे। और मंदिर देखो बिल्कुल नदी के बीच बन रखा है। वो देखो भाई छोटे छोटे बच्चे क्या मस्त तैरते हैं। ये दोस्तों मेन हर की पौड़ी ना, यहाँ के स्नान का बहुत महत्व बताया गया है। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो अभी करीब सुबह के लगभग 7 बज रहे हैं और हम अभी है उत्तराखंड के मंगोल गाँव में, जहाँ से चतुर्थ केदार रुद्रनाथ जी का ट्रैक स्टार्ट होता है। तो कल रात को हम ट्रैक करके वापस आ गए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके वो वीडियो देख लो, बहुत ही सुंदर नजारे। बाकी का सीन ऐसा है ना, आज अपन निकलने वाले हैं घर की तरफ, मतलब अभी निकलेंगे यहाँ से हरिद्वार। हरिद्वार में गंगा स्नान करना है अपने को। हरिद्वार यहाँ से लगभग मेरे ख्याल से 200 किलोमीटर के अराउंड है। देखते हैं, रोड तो सही है, 4-1 घंटों का सफर रहने वाला है। और हम कल रात को रुके थे देखो यहाँ पे GSR होम स्टे, इस नाम से जगह है। बाकी यहाँ से जो आगे सीधी रोड जा रही है ना, ये जा रही है आपका चोपता होते हुए केदारनाथ। तो चोपता तुंगनाथ जा रखा हूँ, केदारनाथ जा रखा हूँ, और इतना समय नहीं है कि ये वाला रूट आपको दिखाया जाए फिर से। अभी हम यहीं से वापस निकलेंगे नीचे चमोली, और चमोली से पकड़ेंगे हरिद्वार वाला हाईवे। तो जल्दी से सामान वगैरह लोड करते हैं ना, उसके बाद मिलते हैं आपसे सीधा बाइक पे। तो बहुत ही मस्त लोकेशन है भाई, पूरा गांव वाला एरिया है। अगर आप ट्रैक ट्रुक नहीं करना चाहते हो तो आप यहां पे आके गांव के नजारे भी ले सकते हो। सूर्यदेव ने भी दर्शन दे दिए उन पहाड़ों पे। टाइम 7:30 हो गया है भाई, सोचा तो था 6 बजे निकलेंगे, पर तैयारी करते करते लेट हो ही जाती है। तो ये जो मंगोल गांव है, ये चमोली से लगभग 13 किलोमीटर दूर है, और बीच में आपको गोपेश्वर मार्केट मिलेगी बहुत बड़ी। जय सूर्यदेव। तो अभी हम गोपेश्वर मार्केट में पहुंच चुके हैं, और ये जो आगे सीधा गेट दिख रहा है ना, ये है गोपीनाथ जी के मंदिर के लिए जाता है, जहाँ पे रुद्रनाथ जी की शीतकालीन पूजा होती है। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं चमोली मार्केट में, और यहाँ से जो लेफ्ट वाली रोड जा रही है, ये जा रही है बद्रीनाथ। ऋषिकेश 202 है भाई यहाँ से, हरिद्वार तो यहाँ से 230 रख लो आप। जब ऋषिकेश 202 है ना, मान्यता ऐसी है ना, अगर आप उत्तराखंड में किसी भी तीर्थ पे आते हो ना, तो आपको वापसी में गंगा स्नान करना जरूरी है। तो अभी हम जिस नदी के बगल में राइड कर रहे हैं ना, वो है अलकनंदा। तो ये देखो धारी देवी माता का मंदिर, और यहाँ पे इस बार दर्शन करके जाना है भाई। हर बार ऐसे ही निकलते हैं ऊपर से देख के, इस बार दर्शन करके जाएंगे और बाइक ले जाएंगे नीचे। जो मंदिर है वो डैम में बन रखा है नीचे, थोड़ा आगे से रास्ता है और बाइक चली जाती है नीचे, क्योंकि सामान सामून का इशू है ना, मेन रोड में ऐसे नहीं छोड़ सकते बाइक को। मंदिर के थोड़ा नजदीक रहेगी तो सेफ रहेगा। तो ये भाई धारी देवी के मंदिर जाने वाला रास्ता। तो बढ़िया से हमारे दर्शन हो चुके हैं, और टाइम अभी लगभग 10:15 हो रहे हैं, और मंदिर देखो बिल्कुल डैम के बीच, बिल्कुल नदी के बीच बन रखा है। और यहाँ पे दोस्तों देखो बोटिंग वगैरह भी कराई जाती है, देखो बोट्स वगैरह दिख जाएगी आपको। और बोलते हैं कि यहाँ पे पहले एक बहुत बड़ी शिला होती थी, और उसी पे माँ की मूर्ति होती थी, तो बाद में ये मंदिर बनाया गया है। और अगर यहाँ पे दर्शन करते हो ना आप, तो चारों धामों के दर्शन आपको यहीं पे हो जाते हैं। जितना पुण्य आपको चारों धाम की यात्रा करने में मिलता है ना, मतलब यहाँ पे दर्शन मात्र से वो आप सारा पुण्य कमा लोगे। तो मंदिर में भी बढ़िया से दर्शन हो गए देखो। तो दोस्तों अभी हम क्रॉस कर रहे हैं उत्तराखंड के काफी बड़े शहर श्रीनगर को। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट स्टॉपेज है वो है देवप्रयाग। देवप्रयाग में थोड़ा सा संगम देखेंगे, चाचू को भी संगम दिखाएंगे, जो पवित्र संगम है और मेन संगम है गंगा नदी का, जहाँ से गंगा नदी बनती है। और ब्रेकफास्ट भी नहीं कर रखा है भाई, मतलब 11 बज चुके हैं, अब सीधा लंच ही करेंगे। अभी लगभग हम सुबह से 150 किलोमीटर चल चुके हैं भाई, हाईवे में काफी ज्यादा प्रोग्रेस आ रही है। तो भाई सामने ऊपर से जो नदी आ रही है ना, वो है भागीरथी। अभी नीचे चल के यहाँ पे संगम हो रहा है देवप्रयाग में। हम आए हैं अभी अलकनंदा के साथ साथ, मतलब अलकनंदा इस पहाड़ी के पिछली तरफ है, वहाँ से घूम के हम यहाँ जा रहे हैं, और ऊपर से ये सीधा आ रही है भागीरथी नदी। देवप्रयाग पहुँचते पहुँचते भाई तगड़ा जाम लग गया। तो यहाँ तो भाई घाट है, देखो बाइक खड़ी करने की जगह नहीं है, थोड़ा आगे खड़ा करते हैं, थोड़ा आगे से आपको संगम दिखाते हैं। तो दोस्तों ट्रैफिक जाम लग चुका है देवप्रयाग में। जो इस तरफ से नदी आ रही है वो है अलकनंदा, इसी के साथ साथ अभी हम रुद्रप्रयाग से आए हैं। भागीरथी का जो उद्गम स्थल है गोमुख, वहाँ हम जा भी रखे थे। तो ये दोनों नदियों का संगम है देखो, यहाँ पे बहुत ही पवित्र संगम है, और यहीं से ये दोनों नदियाँ आपस में मिलके गंगा नदी का निर्माण करती है आगे। यहाँ अपनी बाइक खड़ी है देखो रोड के साथ, नीचे बढ़िया पवित्र संगम हो रहा है, लोग वहाँ भी स्नान कर रहे हैं देखो। खड़े खड़े गर्मी से बुरा हाल हो गया था भाई, अब थोड़ी हवा लग रही है। और अभी अपने को सीधा जाके एक ढाबा देखना है और बढ़िया से खाना खाना है, इससे आगे हमारे को बढ़िया ट्रक ढाबे मिलेंगे। हरिद्वार रह गया भाई 93, काफी सफर हमने कवर कर लिया है।
ब्रेकफास्ट का लंच हो चुका है अपना, 12 बज चुके हैं और देवप्रयाग से आगे 6-7 किलोमीटर गंगा दर्शन भोजनालय के नाम से है। देखो बढ़िया से यहाँ पे आपको 100 रुपए डाइट मिल जाएगी, मतलब बढ़िया खाना मिलेगा और घर का खाना। और हरिद्वार यहाँ से लगभग 90 किलोमीटर के अराउंड है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। गर्मी बढ़ने लग गई है भाई, टाइम अभी लगभग 12:51 हो चुके हैं, 3:30 बजे के आसपास ही पहुंच पाएंगे भाई दोस्तों हम। ये देखो भाई बाबा जी पैदल चले यात्रा में, देखने से बुजुर्ग लग रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोग है भाई, ऐसी ऐसी स्पिरिट है लोगों में घूमने की। ऐसा है कि आपके पास जो है ना, जैसा भी है उसी में मतलब साधन ढूंढो, उसी को अपना मतलब जरिया बनाओ घूमने के लिए। बाकी गर्मी बहुत हो रही है अभी, अभी चलते हुए तो पता नहीं लग रहा है जैसे हम बाइक राइड कर रहे हैं ना, बढ़िया मस्त हवा चल रही है, जैकेट जोकेट ग्लव ग्लूव सारे उतार दिए क्योंकि गर्मी सहन नहीं होती है भाई, हमें पहाड़ों के बंदे। पर अभी जो ये गर्मी तंग कर रही है ना हमारे को, ये सारी गर्मी हट जाएगी भाई जब हम गंगा माँ के ठंडे ठंडे पानी में डुबकियां लगाएंगे। मन तो था वैसे कि ऋषिकेश में राफ्टिंग करके जाए, पर राफ्टिंग का मजा ना दोस्तों के साथ है भाई, चाचू डर जाएंगे, दोस्तों के साथ आएंगे स्पेशल कभी राफ्टिंग करने। तो लगभग दोपहर के 2 बज चुके हैं भाई और हरिद्वार अभी भी लगभग 40 किलोमीटर दूर है, तो हल्की फुल्की थकान सी लग रही थी इसलिए पानी पीने के लिए रुक गए थे और बढ़िया से थोड़ा हाथ मुंह भी धो लिया है, जो सुस्ती वगैरह चली जाए फिर से कंटिन्यू करेंगे भाई अभी तुरंत। और नींद लगने लग गई थी भाई इसलिए गन्ने का रस और आइसक्रीम खा ली, अब कोई दिक्कत नहीं, अब थोड़ी ताजगी आ गई, खा पी लेना चाहिए कुछ भाई अगर नींद लगे, थोड़ा हाथ मुंह वगैरह धो लेना चाहिए। तो दोस्तों ऋषिकेश पहुंच चुके हैं और यहाँ पे ना हर बार जब भी मैं आता हूँ ना तो बहुत फॉरेनर मिलते हैं मेरे को बाहर के, रोड के दोनों तरफ देखो ना कितने गजब के पेड़ है यहाँ पे, और बोलते हैं कि इसमें हाथी भी रहते हैं भाई, काफी घना जंगल है ना। रोड बड़ी मस्त आ चुकी है भाई अब, व्हाट अ रोड मैन, व्हाट अ रोड भाई। यहाँ पे हमने देखो सामान रख दिया है, वापसी में आएंगे और ले जाएंगे यहाँ से डाटा धर्मशाला, हमारे जानने वाले हैं, हरिद्वार से थोड़ा सा पीछे है, बाइक देखो फुल खाली हो चुकी है। हरिद्वार है लगभग अब 2-3 किलोमीटर, तो बढ़िया जाके मस्त मजे से अभी स्नान कर लेते हैं भाई, टाइम लगभग 3:09, तो बस थोड़ी देर में हम हर की पौड़ी पहुंच जाएंगे, काफी नजदीक तक बाइक ले जाएंगे भाई जिससे हमारा काफी टाइम बच जाएगा। तो दोस्तों फाइनली हर की पौड़ी हरिद्वार के बहुत करीब पहुंच चुके हैं हम, और अभी का सीन ऐसा है ना बाइक देखो हमने काफी नजदीक ले आया है, ज्यादा चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हार्डली 2 मिनट चलेंगे हम यहाँ से। और हरिद्वार में देखो हमेशा भीड़ रहती है भाई, सबसे पहले तो हमारा टास्क है कि हमें गंगा जल के लिए छोटी सी कैन लेनी है भाई। ये वाला कैन कितने का है? 30 रुपए का। तो ये कैन ली है भाई हमने देखो। तो दोस्तों जब भी मैं पहले आया हूँ ना, तो जो ये नदी है ना यहाँ पे हर की पौड़ी, यहाँ पे सफाई का काम चलता था और पानी बहुत कम कम होता था, और आजकल तो भाई पानी काफी है देखो, मजा आएगा स्नान करके। ये दोस्तों मेन हर की पौड़ी ना, यहाँ के स्नान का बहुत महत्व बताया गया है, वो देखो भाई छोटे छोटे बच्चे क्या मस्त तैरते हैं। तो दोस्तों पहले चाचू जा रहे हैं नहाने, मैं उसके बाद जाऊंगा, सामान समून यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है भाई, थोड़ा पता नहीं लगाते भाई ऐसे उठा लेते हैं यहाँ पे सामान। तो यहीं अपन स्नान करेंगे, मतलब काफी पानी है यहाँ पे स्नान करने के लिए, और ये जो पसीना वगैरह आ रखा है ना सारी ठंडक आ जाएगी। स्नान हो चुका है और लेट काफी हो रहे हैं इसलिए जाना पड़ेगा, नहीं तो गंगा आरती देख के भी जाते उस जगह पे, देखो गंगा आरती होती है वहाँ पे। लगभग 4 बज चुके हैं शाम के, ये रहा अपना पवित्र श्री गंगा जल और सनसेट होने वाला है, गंगा आरती थोड़ी देर में हो जाएगी पर नहीं देख पाएंगे भाई, घर के लिए हो जाएंगे बहुत लेट। अपने जो घर है यहाँ से लगभग 280-300 किलोमीटर के अराउंड, 300 तो पड़ ही जाएगा, इसलिए अपने को मतलब जल्दी जाना पड़ेगा भाई, घर निकलने की जल्दी है भाई, अब रात को भी राइड कर देंगे, अभी भी मतलब हम ना 250 किलोमीटर राइड करके आए तो आज पूरा 500 प्लस किलोमीटर राइड हो जाएगी हमारी। चाचू थोड़े से थक रखे हैं ना पर कुछ नहीं है, गंगा स्नान करके अब फ्रेश हो चुके हैं बहुत। तो इस जगह पे दोस्तों हमने अपना सामान रखा था, यहाँ पे हमारे बाबा जी रहते थे कुछ टाइम पहले, अब तो उन्होंने समाधि ले ली है, पर जान पहचान के मतलब जब भी हम हरिद्वार आते हैं ना तो यहाँ पे रुक लेते हैं, पर अभी थोड़ा सा जल्दी में है तो इसलिए जाना पड़ेगा। और ये देखो अमित भाई, ये यहाँ की देख रेख करते है, ये देखो अमित भाई का लड़का, ये जय कर दो जय, बहुत ही नटखट है। तो हरिद्वार की जो ये जगह है ना बहुत ही गर्म एरिया है, देखो बाइक का सामान लोड करते करते पसीने आ गए भाई, और ये थोड़ी सी उलझन वाला काम है, देखो गंगा जल हमने कुछ इस तरह से बांध दिया है, यहाँ पे हिले ना भाई, काफी स्पेस है यहाँ पे बैठने के लिए, अब एक्सपीरियंस ठीक हो गया है मतलब सामान सामून बांधने का। ओहो उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ
आराम से चलो। बहुत प्यारा बच्चा है भाई। नाम क्या है इसका? प्रतीक है। अगली बार आएंगे तो बड़ा हो जाएगा और बाय। ठीक है भाई जी, है ना। पांच बज चुके हैं और मस्त सनसेट हो रहा है उस तरफ को देखो, और सड़क के बगल में देखो कितने सुंदर सुंदर फूल लगा रखे हैं। भाई साहब क्या नजारा है, देखो काफी तगड़ा जंगल है रोड के दोनों तरफ। देहरादून यहाँ से रह गया है 15 किलोमीटर। देहरादून से ही अपने को लेफ्ट टर्न लेना है भाई। एकदम से मौसम चेंज हो गया देहरादून पहुंचते पहुंचते। ओ भाई साहब, सारे बाइकर आ गए पेड़ के नीचे। पीछे बिल्कुल धूप लग रही थी भाई, सनसेट दिखा रहा था मैं आपको। यहाँ पे एकदम से बारिश लगी, पानी की बह चुकी है नदियाँ, और गूगल मैप ने दिया है भटका। तो दोस्तों सेफली घर पहुंच चुके हैं, और इस ट्रिप में हमारा लगभग खर्चा आया है 13,000 रुपए दोनों लोगों का। और ये ट्रिप हमने काफी सस्ते में करी है भाई, मतलब हम अपनी मैक्सिमम ट्रिप्स ना बिल्कुल बजट में करते हैं। इस पे हमने अपने ज्यादातर स्टे के पैसे बचाए हैं, ज्यादा जगह हमने कैंप किया है, क्योंकि भाई हम हैं मिडिल क्लास बंदे, और अगर थोड़ा प्रैक्टिकल होके बोले तो अपनी औकात इतनी है भाई, इतना ही हम अफोर्ड कर पाते हैं, पर हम कोशिश करते हैं कम पैसों में ज्यादा ट्रैवल करने का। तो कुछ इस तरह की अपनी उत्तराखंड सीरीज थी। बाकी होप करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।